टर्टल वाइन और पेनी प्लांट। वेलकम टू एम लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और सब पे सब तंदुरुस्ती से और अपने अपने घरों में खुशी खुशहाली से रहे। और आज मेरा इरादा कुछ भी करने का नहीं था, क्योंकि कंपोस्ट बनाने का मैं बड़े दिन से प्लानिंग तो कर रही थी कि आपको बताती हूँ। उसमें मेरी बेटी बीमार हो गई, उसको डेंगू फीवर हो गया, तो हम 2-2.5 हफ्ते बहुत बिजी रहे और बहुत परेशान भी रहे। लेकिन आज मैंने आके देखा है लॉन में काफ़ी दिन के बाद कि कुछ जो मेरे पौधे हैं, जो मैंने एक बड़ी अपनी तरफ से प्यारी सी ट्रे में सकलेंट जो हैं, जो उनको लगाया था, लेकिन वो उखड़े हुए हैं। दूसरी ट्रे में भी मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा अच्छे हालात हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसको मैं छोटे छोटे पॉट में लगा देती हूँ, क्योंकि शायद ये मेरे लिए मुझे इनकी ज़्यादा समझ नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस तरीके से इनको लगाना चाहिए था। इसीलिए ये थोड़ी सी मैंने टेक्निक लड़ाई थी एक्चुअली खुद से बॉन्साई करने की, लेकिन वो बहुत बहुत साल मेहनत के बाद ही ऐसी चीज़ें बनती हैं, ये इतना इजी टू ग्रो नहीं है। तो अब आप देखें कि मैं करती क्या हूँ अभी, क्योंकि मुझे खुद बता दिया कि मैं करने क्या वाली हूँ। 2 पॉट्स में मैं उन पौधों को लगाने लगी, तो देखें अच्छा आज मैं आपको 2 प्लांट्स की केयर भी बताऊंगी कि 1 by 1 करके, कि हम 2 ऐसे इजी प्लांट की मैं आपको बताती हूँ केयर, कि हम कैसे उनको ग्रो करें और इजी टू ग्रो हैं वो, और उनको आपको इतना लुक आफ्टर नहीं करना पड़ेगा। तो एक तो है वो मनी प्लांट, और दूसरा जो है वो एलोवेरा है, और पेनी प्लांट का भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो एंड तक देखें, फिर आपको मैं एंड में ये बात बिल्कुल 1 मिनट की है वो मैं आपको बता दूँगी। दिखाती हूँ कि ये मेरी ट्रे है। तो एक्चुअली मैंने इसमें जो है टर्टल वाइन को लगाया था। ये तो खैर ऐसे मैंने आर्टिफिशियल रखा था बीच में कि थोड़ा खूबसूरत लगेगा, लेकिन और रौनक भी रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि पौधों को रौनक बड़ी पसंद होती है, क्योंकि वो रौनक में बढ़ती। तो अगर आप उनको उनके साथी प्लांट्स के साथ रखें तो आप हमेशा नोट करना कि ये बात तो 100% है कि वो ना बड़े अच्छे से बढ़ते हैं और ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं। तो और पानी वानी का तो ख्याल हम रखते ही हैं कि, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है ये मेरी मनी प्लांट है, ये छोटा वाला चाहिए, ये बड़ा है काफ़ी। असल में जो है ना, ये देखें ये जो ट्रे है ये बॉन्ज़ाई ट्रे ही है, हो सकता है कोई और भी हो, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन ये है कि इसमें अगर हम होल्डी करते रहते तो मेरा ख्याल है कि मेरे पौधों को इतना नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि बेटी की बीमारी की वजह से मैंने देखा नहीं पौधों को। और एक अगर किसी को कोई टिप पता हो कि मैंने जितने पौधे अंदर रखती हूँ मैं, लोग दिखाते हैं कि हमारे जो इनडोर प्लांट्स हैं वो बड़े अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन मेरे साथ इस तरह नहीं। मेरे जितने प्लांट अंदर पड़े हुए थे ना, तो वो कोई भी अंदर ठीक से नहीं चले। तो अब मैंने इनको एक तो गोडी की है, और इसके साथ मैंने टर्टल वाइन भी लगाई थी, लेकिन वो टर्टल वाइन जो है उसको भी कोई ज़्यादा उसने इसमें ग्रोथ नहीं की है। उसका मेरा ख्याल है उसकी वजह शायद ये होगी कि ये बेटे ये वाली चेंज, और उसकी वजह ये होगी कि मैंने गुडाई वगैरह नहीं की है, गोडी नहीं की है, क्योंकि ये बड़े नाजुक से प्लांट हैं। थैंक यू। और वरना ये तो जल्दी से बढ़ जाते हैं, लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि टर्टल वाइन सारी कहते हैं बहुत अच्छे से बढ़ जाती है और जल्दी से बढ़ जाती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। तो पता नहीं, शायद अभी बढ़ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। अब मैं पहले उसको छोटे पॉट में लगा, पहले मैंने ये छोटे पॉट 2 में लाई थी खरीद के, पहले मैं इनमें लगाने लगी थी, अपना जो सकलेंट है ना उसको इसमें लगाने लगी थी, लेकिन अब मैंने उसी में लगा लिया गुडाई करके। वो इसलिए कि मुझे ऐसे लगा है कि फिर ये मेरी ट्रे है वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने बड़ा देख देख के सारे यूट्यूब से, गार्डनिंग वैसे तो मैंने अपने फादर से भी सीखी है,
लेकिन ये है कि हमारे घर में ज़्यादा फ्रूट्स के प्लांट थे, लेकिन मेरे पास क्योंकि इतना बड़ा लॉन तो है नहीं, मेरे पास तो बहुत छोटा सा लॉन है, फ्रूट्स ज़्यादा वहाँ थे, फ्रूट्स के फ्रूट वेजिटेबल और रोजेस। तो ये जो है, ये मेरा ख्याल है ये जो प्लांट्स हैं जो मेरे घर में है ना, ये छोटे लॉन के लिए ही होते हैं। तो ये अच्छी बात है सकलेंट्स की कि ये जल्दी से मुरझाते भी नहीं हैं, मरते भी नहीं हैं और निकल आते हैं। एक एक मौसम आएगा जब ये हो ही जाएगा, इसका कुछ जुगाड़ निकलेगा, ये शुरू ये जो है ना बढ़ जाएगा। तो ये भी इसकी साइड पे रख दो, लेकिन इसको गुडाई ज़रूर करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं की। ये बेटे आ गया करूँ ज़रा, इसको देखते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ, ये जो है ये बेटे पकड़ाना मनी प्लांट में, दिखाती हूँ कि ये जो है मनी प्लांट इसमें ग्रो कर रही है। ये मैंने थोड़ा ही दिन पहले टहनी लगाई थी। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो तो मेरी बहुत अच्छी बढ़ जाती हैं। ये देखें, ये मनी प्लांट की थोड़े दिन पहले मैंने टहनी लगाई थी, लेकिन क्योंकि ये बाहर पड़ा हुआ था, ये साथ इसके मुझे नहीं पता कौन सा पौधा निकल रहा है, इसको थोड़े दिन मैं देखूंगी कि ये कौन सा है, फिर उसके बाद ही मैं इसको उखाड़ूंगी। तो जो बाहर पड़े रहते हैं प्लांट्स वो बहुत अच्छे से बढ़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इनको, मनी प्लांट तो खैर नहीं है लेकिन दूसरे और जैसे टर्टल वाइन और स्नेक प्लांट अंदर बहुत अच्छा चलता रहता है, स्नेक प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं वो मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगी जो अंदर बिल्कुल ही ग्रो नहीं करते हैं, और मतलब अगर जलते तो नहीं है लेकिन बढ़ते भी नहीं हैं। तो पैनी प्लांट मैंने लगाया था, और इसमें जो है मनी प्लांट की केयर ये है कि आप इसको ना कभी भी ज़्यादा पानी ना दें, क्योंकि ज़्यादा पानी मनी प्लांट को पसंद नहीं होता है। इसी तरह से ये मेरा पैनी प्लांट पड़ा हुआ है, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला है। इसको भी जो है, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं, ये जो पत्तियाँ हैं इसकी, ये इनमें काफ़ी पानी स्टोर कर लेते हैं ये पौधा ना, ये काफ़ी पानी स्टोर रखता है अपने अंदर। तो इसको ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी देने का मतलब ये है कि आपने इसको नाराज़ कर दिया है, फिर ये अच्छा नहीं महसूस करता ये पौधा, और डिस्टर्ब हो जाता है और मर जाता है। तो अभी जो है आजकल मैंने ज़्यादातर जो है वो लगाए हुए हैं फूलों के पौधे, और मैं अब इनमें समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा लगा दूँ। मैं भी अच्छे से, लेकिन मेरे पौधों को नहीं, मेरे पौधे नहीं चलते। अब ये नहीं मुझे पता कि वजह क्या है, और खुदा का शुक्र है कि ये जो जो पौधे बाहर लगे हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, और ये मेरी रात की रानी पे भी फूल आने शुरू हो गए हैं बड़े अच्छे से। ये देखें, ये ग्लव्स मैंने इसलिए पहने हुए हैं, वैसे तो मैं मिट्टी का काम जो है वो मिट्टी को हाथ लगा के करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन बिल्ली के जो छोटे बच्चे हैं हमारे घर आए हुए, उनको थोड़ा सा दूध लेट मिले तो वो बड़े नेल मारते हैं, तो उन्होंने काफ़ी नेल मार मार के मेरे बाजुओं पे, हाथों पे ज़ख्म किए हुए हैं। ज़ख्म तो नहीं है, ऐसे जो है ना उनके नेल लगे हुए हैं तो वो इस वजह से ना मैं आज मैंने ग्लव्स पहन के काम किया है। ग्लव्स भी अब मेरे फट चुके हैं सारे, लेकिन मेरा मसला हल हो गया। ये देखे ज़रा, ये हर जगह ना, इवन देन मेरे मुंह पे चढ़ आते हैं कि हमें दूध क्यों नहीं अभी तक मिला। तो बड़े प्यारे बच्चे हैं, खुदा का शुक्र है। बहुत सारे एक्सेल जो हैं जमा करके हमने इसको पीस के रखा हुआ है, तो अब मैंने इसको डाल तो सकती हूँ, अभी भी मैं डाल सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन अभी मैं संभाल के रख रही हूँ, क्योंकि सर्दी में मुझे ज़्यादा जो मेरी नॉलेज है, सीखा है मैंने यूट्यूब से, कि उसमें ज़्यादा गोबर खाद ही डालनी चाहिए। ये बेटा इधर रख दो, और जो है गोबर खाद जो है ना आजकल वो पौधों को अच्छे से ग्रो करती है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो छोटे वाले प्लांट्स हैं, पौधे हैं, पॉट है, ये छोटे वाले पॉट आप हमेशा तब यूज़ करें जब आप ऐसे पौधे लगा रहे हो जिनकी रूट्स जो हैं जो ज़्यादा डीप में नहीं जाती। पीछे बच्चा हमारा खेल रहा है नेबर्स का, तो प्लीज़ इग्नोर करें। तो वो ये है कि इसमें इनका फ़ायदा ये है कि इसमें
पौधा बहुत अच्छे से चलता भी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इसकी जो रूट्स हैं जो मैं इसमें लगाने लगी हूँ, दो चीज़ लगाने लगी हूँ, एक मैं इसमें पैनी प्लांट लगाने लगी हूँ, एक मैं इसमें टर्टल वाइन लगाने लगी हूँ। लेकिन इनकी मैं बहुत ज़्यादा भर भर के तो नहीं लगा सकती, क्योंकि मैं सिर्फ एक टहनी ही लगाती हूँ, फिर वो बढ़ता रहता है। मुझे अपने पौधों को ज़्यादा तोड़ना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा मतलब है पौधे तो बढ़ते ही रहते हैं, तो इतना भर भर के तोड़ के अगर लगाएंगे तो फिर तो शौक पूरा ही नहीं होएगा, क्योंकि ये जब बढ़ता हम इनको देखते हैं तो फिर अच्छा लगता है। और ये जो है ये मेरे पास थोड़े से ये पत्ते हैं, तो नीचे मैं पत्तों को डालूंगी, ये मैंने पत्ते डाल दिए थोड़े से, ये इसमें थोड़े से मैंने पत्ते डाल दिए हैं। और इसके ऊपर ये मैंने मिक्स करके ही रखी होती है मिट्टी, मिट्टी में सब चीज़ें डाल के रखी होती है मैंने, और ये बड़े अच्छे से मिट्टी को मैंने किया हुआ है। ये जो है वैसे मैं आजकल का जो वेदर है, अब जो मौसम चल रहा है, इसमें स्वाय फूलों के पौधों के मैं कोई पौधा लगाती नहीं हूँ, क्योंकि बरसात में आपको पौधे लगाने चाहिए या फिर फरवरी मार्च में लगाने चाहिए बाहर में। सर्दियों में बहुत सारे जो पौधे हैं वो हमारे डोरमेंसी में चले जाते हैं, यानी सो जाते हैं, तो उस वक़्त उनका बढ़ने का अमल रुक जाता है। तो इसलिए ना तो आप इस आजकल ना तो किसी पौधे की को कट करें और ना किसी नए पौधे को लगाएं। अगर आपको नए पौधे बाय करके लाने हैं तो आप फरवरी मार्च में लेके आएँ, और कटिंग लगानी है तो आप गुलाब की लगा सकते हैं और बहुत सारे फूलों की लगा सकते हैं, जो आजकल का मतलब पूछ लें पहले नर्सरी वाले से या किसी यूट्यूब से, ताकि आपको पता चले कि ये अब चलेंगे। क्योंकि पौधा भी लाइक बच्चे की तरह ही होता है, अगर उसको ऐसे ही हम तोड़ तोड़ के लगाते जाएंगे वो टहनियाँ वेस्ट हो जाएंगी। एक तो मैंने आपको मनी प्लांट की केयर बताई है कि मनी प्लांट को ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता, और ऐसे ही पैनी प्लांट का भी मैंने अभी आपको बताया था, उसको भी ज़्यादा पानी पसंद नहीं। रबड़ प्लांट है ये भी, जब मैं लेके आई थी इसको बरसात में लेके आई थी, तो ये बहुत ही इसकी ख़राब हालत थी और बिल्कुल मरा हुआ लग रहा था, बिल्कुल बेजान था ये बिल्कुल। लेकिन खुदा का शुक्र है अभी ये जो पत्ते हैं ये और ये एक ये यहाँ पे ही आके निकले हैं और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बाकी जो फूलों वाले पौधे हैं वो भी उनको फूल वगैरह नहीं लगे हैं, तो खुदा ने चाहा तो मेरा ख्याल है 10-15 दिन में फूल निकल आएंगे, फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो सुनने और देखने के लिए शुक्रिया। हम बात करेंगे ये एलोवेरा के बारे में। ये देखें एलोवेरा के जो पत्ते हैं इनमें ये जितना ये इनके जो लीव्स हैं इसमें सारा पानी भरा हुआ है, तो इसके जो लीव्स हैं ये अपने में पानी भर के रखते हैं। और ये देखें साथ साथ इसके दो जो हैं बेबी प्लांट भी निकल आए हैं, ये देखें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनको पानी बहुत कम दें। तो ये जब से भी पड़ा हुआ है, काफ़ी देर हो गई है इसको, ये इसी में पड़ा हुआ है और इसी में अच्छे से बढ़ रहा है, क्योंकि मैं इसको पानी बहुत कम देती हूँ। तो सुनने के लिए और देखने के लिए शुक्रिया, टेक केयर, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन और घंटी को जो है वो दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो डालेंगे साथ साथ आपको मिलती रहेगी। टेक केयर।